हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ चिकन सामी कबाब। ये ईद स्पेशलिस्ट है, मैं बनाया हूँ चिकन सामी कबाब। अभी मुझे ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी ये कैसे बनता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है मेरा ये। अब इसको मैं एक बाउल में ले रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चना का दाल जो मैं रात को ही भिगो दी थी। देखिए बहुत अच्छा से ये सोख हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अच्छा से भीगने से, मतलब है कि जल्दी ये पक जाएगा। अब मैं इसमें ली हूँ एक मीडियम साइज का आलू, मैंने ऐसे चॉप कर लिया इसको। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू देने से हम लोग का जो सामी कबाब बनेगा वो ड्राई नहीं होगा, थोड़ा मॉइस्चर होगा आलू डालने से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज प्याज जो मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। खड़े मसाले मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, एक मैंने लिया है लहसुन अच्छा से छील लिया है, ये चिकन का लिया पूरा, मैं एक लहसुन लिया था। और ये मैंने लिया है 4 सूखी मिर्च और 2 इंच मैंने लिया है अदरक, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है ऐसे रख ली। अब मैं इसमें ये सारा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। अब फ्रेंड इसको मैं 2-3 सीटी कुकर में लगाऊंगी ताकि मेरा चिकन आलू प्याज इस दाल जो डाली हूँ मैं ये अच्छे से थोड़ा गल जाए। अब मैं आपको थोड़ा खड़ा मसाला दिखाती हूँ। ये है मेरे कुछ खड़े मसाले जिससे मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, 8 से 10 मैंने लिया है साबुत लौंग, 1 मैंने लिया है जावित्री का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 8-10 काली मिर्च और 1 मैंने लिया है स्टार फ्लावर। इसको मैं पोटली बनाऊँगी, मैं कपड़े में डाल के इसको सारा एक पोटली तैयार करूँगी। ये पोटली मुझे जब अपना मैं चिकन गलाऊँगी प्रेशर कुकर में, पोटली मुझे उसमें डाल देना है सिर्फ इसकी खुशबू के लिए कि फ्लेवर अच्छी आएगी सामी कबाब में। इसको मैं अच्छी तरह से इसको गांठ बना लेती हूँ ताकि मेरा मसाला निकले ना। देखिए मेरा पोटली रेडी हो गया। अब मैं इसको कुकर में डाल दूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब इसमें मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी, सारा चला गया इसमें। अब मैं जो पोटली बनाई हूँ, मैं ये पोटली मैं इस पर इसके बीच में डीप कर देती हूँ पानी में। अब इसको मैं 2-3 सीटी लगाऊँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गल गया है, चिकन मेरा गल गया है। मैं इसको निकाल ली हूँ बाउल में। अब मैं इसको अपना मसाला का जो पोटली है ये निकाल लेती हूँ, ठंडा करूँगी फिर इसको मैं ग्राइंडर पे ग्राइंड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारा पीस लिया, इस तरह का मेरा ये रेडी हुआ है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 1 चम्मच नमक दे रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये मैंने लिया है 1/2 कप मेरा ये हरा धनिया है, मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। 1/2 कप पुदीना है, इसको भी मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। मैं इसको भी ये 5-6 मिर्च है, इसको मैं बारीक चॉप कर ली हूँ, और मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा। और ये मैं 1 नींबू ली हूँ, इसको मैं इसका रस निकाल कर डालूँगी इसमें, 1 नींबू का जूस मैं इसमें डाल रही हूँ। इसका जूस मैं निकाल लेती हूँ, नींबू का जूस। अब सब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छा से। हाथ से मिक्स करती हूँ। देखिए भाई, मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच
अदरक पेस्ट, मैंने पहले भी अदरक डाला था चिकन को पकाने के टाइम में, फिर मैं थोड़ा सा और डालूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ऊपर से डालने से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। अब बस मैं डाल दी हूँ एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये मिक्सर रेडी हो गया, कबाब का मिक्सर मेरा बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग चले कबाब बनाते हैं। मैं स्पून की मदद से थोड़ा सा, पहले मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और स्पून की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना सामी कबाब का शेप दूँगी। देखिए इस तरह से मैं सारा रेडी करूँगा। मैं थोड़ा सा हाथ में तेल लगाऊंगी, ताकि हमारा कबाब जो बने बहुत ही अच्छा बने। इस तरह से मैं सारा रेडी करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मेरा सामी कबाब मैंने बना लिया, रेडी होकर दिया इसे, आप देख सकते हैं। और मैं डब्बे में भी स्टोर की हूँ, इसको मैं बना के रख दूँगी ऐसे बिना फ्राई किए फ्रीजर में रख दूँगी। ईद के दिन मैं इसको फ्राई करके खाऊँगी। ये मैं दो चार आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, बाकी मैं स्टोर करके अच्छा से डब्बा में भर के ढक्कर लगा के फ्रीजर में रख दूँगी और ईद के दिन यूज़ करूँगी। इस स्टेज पर हम लोग इसको रख सकते हैं और आराम से एक दो दिन बाद फ्राई करके खा सकते हैं। चलिए मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैं एक अंडा ले रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ अंडा को। अंडा मेरा मिक्स हो गया, एक पिंच इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं बस एक पिंच। रेडी हो गया, अब हम लोग फ्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कढ़ाई में गर्म हो गया, मैं तेल ले ली हूँ उसमें, हम लोग को स्लो फ्राई करना है कबाब। ये मैं कबाब ले रही हूँ, ये मेरा फेटा हुआ अंडा है, इसमें मैं अंडा में इसको डीप करती हूँ। डीप करके इसको मैं फ्राई करूँगी इस तरह। दूसरा भी मैं अंडा अंडा में डीप करके अपना कबाब इसको फ्राई करूंगी। इससे क्या होगा अंडा से कि हमारा कबाब अंदर ड्राई नहीं बनेगा। इस तरह से इसको मैं मीडियम फ्लेम में फ्राई करूंगी। गोल्डन फ्राई हो रहा था, हमको फ्राई करना है इसको। 2-3 मिनट हो गए, देखिए एक तरफ हम लोग का फ्राई हो गया, तो हम आराम से उसको पलट देते हैं। इस तरह से पलट देते हैं, एक बार जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा बनता है ये। इस स्टेज में हम लोग इसको जो स्टोर करेंगे फ्रिज में रखेंगे डब्बा में भर के, तो हम लोग इसमें अंडा नहीं मिलाएंगे। जब निकालेंगे हम लोग फ्राई करने के लिए, तब अंडा में डिप करके तब तो फ्राई करेंगे। आप बिना अंडा भी फ्राई कर सकते हो, अंडा से बस ये बेनिफिट है कि हम लोगों का ये कबाब जूसी बनेगा, ड्राई नहीं बनेगा। और हम लोग आलू भी डाले हैं इसमें, इसलिए अंदर जो हम लोग खाएंगे तो अंदर हम लोग का कबाब जूसी होगा। इसलिए आप बिना आलू और बिना अंडा भी बना सकते हैं, उससे क्या होगा कबाब आपका जूसी नहीं होगा, ड्राई होगा। देखिए इस तरह भी मेरा हो गया है, थोड़ा सा और फ्राई कर लूँ मैं 2 मिनट। देखिए मेरा कबाब रेडी हो गया, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको एक बिना अंडा वाला फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए बिना फ्राई अंडा वाला है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करके।
दो मिनट फ्राई हो गया, फिर इसको मैं साइड कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा वाला कबाब भी रेडी हो गया है बिना अंडा वाला। अंडा देने से बाइंडिंग अच्छा करते हैं, बिना अंडा वाला थोड़ा सा बाइंड कम होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बनाओ तो आप अंडा डाल के ही बनाया करो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है। अब ये देखिए, ये मेरा अंडा वाला, जिसमें अंडा में डिप करके इसको मैं फ्राई किया, सलो फ्राई किया, और ये मेरा तीन मैंने बनाया बिना अंडा वाला। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी फ्राई करें सलो फ्राई, अब अंडा डाल के बनाइए। देखिए कबाब मेरा अच्छा भी है और काफ़ी ऊपर करारा और अंदर जूसी बना। ये इसका सेप भी ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और ये काफ़ी रूखापन आ गया कबाब में, ड्राई भरा ये कबाब। इसलिए फ्रेंड, जब भी आप बनाएं अंडा में ही डिप करके आप इसको सेलो फ्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये सामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मैं जो भी नया रेसिपी डालूँ उससे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, अब याद दीजिए मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।